हेलो, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार, आपका प्रेरणा कोचिंग ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज का लेक्चर होगा प्रैक्टिस सेट, और ये होगा आपका सेट नंबर फर्स्ट। ठीक है, 20 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रश्न किस प्रकार से और कैसे आता है। ठीक है, और ये जो सेट होगा ज़्यादा डेडिकेटेड होगा हमारा PSCC लेवल को लेके। ठीक है, PSCC लेवल में जो मैथ पूछा जाता है उसमें जो प्रश्न पूछा जाता है सारा का, आज 20 प्रश्न का क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला देखिएगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एलसीएम 12 है, निम्नलिखित में कौन सा उनका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि एलसीएम और एससीएफ के बारे में। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता क्या है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एंड एससीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आता है मल्टीपल और एक वर्ड आता है फैक्टर। ये मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है? मल्टीपल फैक्टर होता क्या है कि जैसे कि यदि हम आपको बोल दें कि 4 का बताइए हमारा मल्टीपल क्या होगा और बताइए कि फैक्टर क्या होगा, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा? मल्टीपल का मतलब होगा कि जो गुना में होगा, जैसे कि हम लिख सकते हैं मल्टीपल में 4, चार को, चार का जैसे टेबल लिखते हैं ना, एज इट इज वही हो जाएगा क्या इसका मल्टीपल? 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, एज इट इज ये चलता रहेगा। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोल देंगे मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर क्या होता है कि 4 जो है यह कौन कौन से टेबल से डिवाइड होगा और संपूर्ण डिवाइड होगा, पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारे पास? रिमाइंडर हमारे पास कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम 4 का क्या क्या बोल सकते हैं? 4, एक के टेबल में 4 आता है और ये प्रॉपर क्या हो जाता है? डिविजिबल हो जाता है। रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास? रिमाइंडर 0 आया। 2 के टेबल में 4 आता है, एकदम बिल्कुल आता है, और रिमाइंडर कितना देता है? रिमाइंडर 0 देता है। अच्छा, 3 के टेबल में आता है 4, नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा। तो यदि आपसे पूछे कि 4 का बताइए फैक्टर कितना होगा, तो हम बोलेंगे 4 का फैक्टर कितना होगा? 3 होगा। और हमसे पूछेगा 4 का मल्टीपल कितना होगा, तो इनफाइनाइट हो सकता है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 है ना, 44, एज इट इज ये क्या होगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसका क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोला है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो 12 है तो क्या? एलसीएम जब निकालते हैं तो हम लिखते हैं 12, तो अब इसका यदि हम एलसीएम निकाले, 12 लेते हैं और हम जैसे कि ले लेते हैं 10, इस दोनों में डिफरेंस निकालते हैं, 2 ले लिए 6 हो गया, 2 ले लिए 3 हो गया, और 3 ले लिए 1 हो गया। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में? 5 बार में, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में। जो इसमें मैच करेगा, जो इसमें मैच करेगा, जैसे कि 12 को ले लिए हम क्या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और 10 हमारा क्या हो गया 2 और मल्टीप्लाई 5। जो इसमें मिल रहा है वो हमारा क्या हो सकता है? एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। ये हमारा क्या हो गया? एससीएफ। एससीएफ हमारे पास क्या आ गया? 2। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा, ये भी लिखा जाना है इसमें, और जो बच गया वो भी इसमें लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 2, 3 और 5। ठीक है, तो एलसीएम एससीएफ 12 दिया हुआ, तो एलसीएम क्या नहीं होना चाहिए? तो आपको देखना है मल्टीपल, जैसे कि 12 हो गया, 12 को एज इट इज लेके चलेंगे तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 12। और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 24। 12 को कितना करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। एज इट इज ये क्या होगा? आगे की ओर चलता रहेगा। तो हम देखेंगे कि 12 का कंटिन्यूसली जो मल्टीपल होगा वह एलसीएम हो सकता है, और जो मल्टीपल नहीं होगा वो क्या होगा? एलसीएम बिल्कुल भी नहीं होगा। 12 के टेबल में 84 आता है क्या? बिल्कुल आता है। 12 के टेबल में 60 आता है क्या? बिल्कुल आता है। 72 आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो आंसर क्या नहीं होना चाहिए? आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये एलसीएम
बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसका प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 आता ही नहीं है इसमें, 12 के टेबल में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए, और ये हमने क्या कर रखा है, करवा भी रखा है आपको क्लास में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 12% और 10%, इसको बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक है। सक्सेसिव एक होता है जिसको हम कंप्लीट करवा चुके हैं आपको सीआई में, और एक होता है डिस्काउंट, ठीक है। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ए और प्लस बी और प्लस ए इंटू बी और डिवाइड 100, ये क्या हो जाएगा सक्सेसिव का फॉर्मूला। और डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी, अब बस बीच में क्या कर देना है, डिस्काउंट मतलब माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा माइनस, और मल्टीप्लाई कर देंगे ए इंटू बी और बाय 100, ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। इसी फॉर्मूला पे आपको क्या कर देना है, पुट कर दीजिए, कितना दे रखा है ए का मान, ए का मान दे रखा है 12%, और बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान दे रखा है 10%। आइए पुट करते हैं, 12 प्लस 10 माइनस 12 अगुना 10 बटा 100, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, और भी काट सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको कट नहीं करेंगे, 22 हो गया, और माइनस कर दें कितना 1.2, ठीक है। कितना आ जाना है हमारे पास 20.80%, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। आप इसको चाहें तो आप अपने ब्रेन में भी इसको कर सकते हैं, 10 12 और 10 कितना हो गया 22, और 100 नीचे आएगा, 120 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ये कितना आ गया 1.20, और 1.20 को 22 में माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20.80 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है आपके पास कि 31 और 11 का महत्तम समावर्तक, 31 और 11 का महत्तम समावर्तक SCF क्या होगा, है ना, क्या हो सकता है, तो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है हमने, हमारे पास 31 और 11 का बोल रहा है। अच्छा SCF हमने कहा था आपको, SCF क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी अभी डिस्कस कर रखा हमने कि SCF क्या होता था, SCF होता क्या है कि दो संख्या, जैसे कि 12 लिए थे अभी थोड़ा देर पहले और 10 लिए थे हम, दोनों में जो चीज कॉमन आया वही हमारा क्या हो गया SCF हो गया। 12 का निकाले तो कितना हो गया था, दो दो है ना, और 3 आया था, ठीक है। यहाँ पे करिए इसको, दो से किए तो कितना आया 6, दो से किए तो कितना आया 3, और 3 से किए तो कितना आ गया 1, और 10 को फैक्टराइजेशन किए तो कितना आ गया 2, 5, 5 और 1, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब SCF क्या हुआ, SCF मतलब कि जो इसमें कॉमन आ रहा है, अब जो इसमें कॉमन आ रहा है वो क्या हो गया SCF। अब इसी बात को यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसी चीज को अप्लाई कर देंगे, और जो इसमें सेम आया, सेम हमारे पास क्या आया 2, और जो बच गया ये सारा चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा क्या कहला जाएगा, इसको क्या बोल देंगे हम, इसको बोल देंगे LCM, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा आपको, 31 देखिएगा और 11 देखिएगा, ठीक। 31 का यदि आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आप 31 कोई टेबल में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता, तो 31 के टेबल से काटेंगे तो कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा, और 11 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में 11 से करेंगे तो एक बार में खत्म हो जाएगा, आप 11 से करिए या 31 से करिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम SCF इसका निकालें तो देखिए 1 और 31 और कितना होगा, SCF निकाल रहे हैं ना 31 का, ठीक है, और हमारे पास कितना आ गया 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 1 गुना 11, तो दोनों में सेम डिजिट कौन सा है, दोनों में सेम डिजिट 1 है, तो इसका मतलब कि अब कोई इसमें मैच नहीं हो रहा है। अब जब मैच नहीं हो रहा तो इसका क्या हो जाएगा SCF, SCF हमारे पास इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक। परसेंटेज का क्वेश्चन है, और जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो ये सब क्वेश्चन को आप ऐसे ही बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1236 के 75% का मान कितना होगा? 1236 के 75% का मान, 1236 का 75% है। परसेंट का मतलब, परसेंट का मतलब 1/100। तो यदि हमारे पास x परसेंट हुआ, हम इसको क्या कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करके 1/100 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यदि हमारे पास यहीं पे आ जाएगा a परसेंट, हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई 1/100, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहीं पे यदि हम 5% दे दें तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 1/100। यदि यहीं पे दे दें हम 10%, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10/100, आसानी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 75%। 75% को किस तरह से लिख सकते हैं, 1236 मल्टीप्लाई 75 और डिवाइड 100 कर सकते हैं, बड़ा आसान था। ठीक है, 25 के टेबल से काटेंगे तो 3 बार और 25 के टेबल से काटेंगे तो 4 बार में, 4 के टेबल से ये कट रहा है 4 का। आप देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से कट रहा है तो इसका मतलब वो 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल है। यदि हम आपको कोई संख्या दे दें 2, 4, 6, 8, 0, 8 और हम आपसे पूछें कि बताइए ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, आपको पूरे संख्या में 4 से डिवाइड नहीं करना है, आपको देखना है कि 4 के बारे में पूछा गया है, लास्ट का 2 डिजिट बस आपको देखना है। 84 यदि डिवाइड हो गया 4 से, रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 1236 और मल्टीप्लाई 3/4 आ गया, तो ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट लास्ट का क्या रहा हमारे पास, 4 से डिविजिबल है। तो काट लेते हैं, 4 × 3 = 12 और 0 और 9 = 36। ठीक है, 309 और मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, 9 × 3 = 27, 7 यूनिट डिजिट आना चाहिए, 7 यूनिट डिजिट सबके पास है। तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा, 9 × 3 = 27 कर देंगे, इसके साथ प्लस कर कितना आ जाएगा, 927। जिस ऑप्शन में दिख जाएगा 927, उस ऑप्शन को क्या कर देना है, क्लिक कर देना। देखिए कैलकुलेशन करना, ये लिख दिया हमने, आप इसको ब्रेन में भी कर सकते हैं, जैसे कि 309 मल्टीप्लाई 4 दिया हुआ है। ठीक है, आपको एक एक डिजिट करके नहीं करना, ज्यादा हार्ड रहेगा तब हम यूज करेंगे, है ना। यदि आसान रहा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 300 और प्लस 9 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख दिए, मल्टीप्लाई में 4 लिख दिए, 4 को पहले 300 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 4 को हम क्या कर दिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा ऑप्शन क्या आ गया, 927, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यदि वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखिए मार्केट प्राइस का बात कर रहा है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस का बात कर रहा है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु है हमारे पास, इसका मार्केट हमारे पास कितना है, 50 रुपये है या 100 रुपये है, हम उसको बेचना कितना में चाहते हैं, 60 रुपये में, या बेचना चाहते हैं 120 रुपए में। क्यों? क्योंकि इसको प्रॉफिट भी तो चाहिए ना। कहना चाह रहा है कि 20% का छूट देता है। मार्केट प्राइस मतलब होता है क्या है, 100 प्लस हो या माइनस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो। कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट देना चाह रहे हैं हम, कितना का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं 20% का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% का छूट देना चाह रहा है, तो 20% का यदि हम छूट देंगे, तो 20% का छूट दे रहे हैं, तो कितने का हो जाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपए का, और 20% का लाभ भी अर्जित करना चाह रहा है, लॉस नहीं लाभ, प्रॉफिट भी अर्जित करना चाह रहा है। लॉस होता तो माइनस करते, प्रॉफिट हो रहा तो प्लस कर दे, कितना हो गया, 20 हो गया, 120 मार्केट प्राइस है और उसको बेचना सीपी 80 में है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 80 में है, मार्केट प्राइस 120 है और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, बोल रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य
क्रय मूल से का बात करें तो आपको क्या करना है, जिसके साथ से या का लगा हुआ रहे मैथ में खास करके, आपको क्या करना है कि उसको आपको डिनोमिनेटर में पुट कर देना है। तो डिनोमिनेटर में 80 को पुट कर दिए, कितना से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, 40% अधिक है, और गुना कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 दुनी 80 और इसको कर देंगे कितना आ जाएगा, 50%। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितना अधिक है, 50% अधिक है। जहां पर दिखेगा या पीएफ 50% क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास 50% आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और डील करिए, क्या बोल रहा है, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपए है, यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक, प्रश्न बोल रहा है कि 15% लाभ भी कमा रहा है, 15% लाभ कमा रहा है, तो 15% का ही तो मान दे रखा है ना, यदि लाभ, यदि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी, हमको दे रखा है सीपी और सीपी और एसपी के बीच का अंतर दे रखा है कितना, 1200 रुपए। यहाँ पे ये बात भी तो बोल रखा है ना कि यदि लाभ 15% है, अब लाभ 15% है तो ये इतना में लाया होगा और इतना में बेच जाएगा, तो उसके बीच का जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वही तो लाभ हुआ होगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, 15% हुआ ना। अब ये यदि 15% हुआ तो इसका मतलब है कि 15% का मान हमको कितना दे रखा है, 15% का मान हमको कितना दे रखा है, 1200 रुपए। तो 1% का मान निकालना चाहेंगे तो 1% का मान हम कैसे निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे 1200 को क्या कर देंगे, डिवाइड 15 से कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ गया। और यदि हम चाहें तो इसमें लाभ 15% का अधिक कमाना, इसका मान हो गया 15% और 1200 रुपए हो गया लाभ। यदि हम 15% अधिक और कमाना चाहेंगे हम क्या करेंगे, 115 रुपए का हमसे पूछा है वैल्यू, लाभ हमें चाहिए 15%, 100 रुपए में लाए और 15% का लाभ भी चाहिए हमको, कितना हो जाएगा, 1200 और बाय 15 और मल्टीप्लाय 115। ठीक है, कंप्लीट है। अब इसका क्या करेंगे, काटा पीटी कर लेते हैं, 15 का टेबल से काट लेते हैं, 1200 कितना बार में कटेगा, 15 के है ना, 0 आ गया 80, और 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 115 से, यूनिट डिजिट से मैच नहीं करेगा तो क्या करेंगे, 80 को 115 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ऐसे कर लेते हैं, 100 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80 से और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80 से, है ना, 100 को मल्टीप्लाई करिएगा 80 से कितना आ जाना है, 8000। ठीक है, कंप्लीट हो गया, 8000 आ गया हमारे पास, और 15 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 120। कंप्लीट, 1200 यहां पे आ गया, 120 12 120 और 0 कंप्लीट, इसको जोड़ दीजिए 0 0 2 और 9, 9200 रुपए का क्या होगा, 9200 रुपए विक्रय मूल्य होगा। उसको कितना में बेचना चाहिए, उसे विक्रय मूल्य 9200 रुपए में बेचना चाहिए, तब जाके उसको क्या होगा, 1500 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बड़े अच्छे तरह से समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कोशिश करिए बनाने का, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 625/256 गुना हो जाता है।
साल कितना दे रखा है? साल दे रखा है हमारे पास 4, ठीक है। रेट बोल रहा है निकालने के लिए, रेट बोल रहा है कितना परसेंट रेट होना चाहिए, ठीक। रेट कितना होना चाहिए? 22% होना चाहिए, 25% होना चाहिए, 26% होना चाहिए कि 20% होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ रहे थे, थोड़ा सा फोकस करिएगा, जब हम सीआई पढ़ रहे थे तो एक बात को जान रहे थे हम रेशियो वाले मेथड में। रेशियो वाला मेथड कह रहा था कि यदि हमारे पास टाइम 4 साल है, ठीक है, टाइम कितना साल दे रखा है, टाइम यदि हमारे पास 4 साल का दे रखा है, छोटा ले लेते हैं अभी, 2 साल के लिए दे रखा है, और यदि हमारे पास रेट दे रखा होता था 10%, सबसे पहले क्या करते थे, परसेंटेज को तोड़ा करते थे। 10% को तोड़ते थे तो 10/100 और 0 से 0 खत्म हो जाता था, कितना आ जाता था हमारे पास, 1/10। 2 साल के लिए बोल रहा है तो एक तरफ प्रिंसिपल लिखना होता था, एक तरफ अमाउंट लिखना होता था। 10 से कहाँ जाते थे, 11 के पास, और ये प्रोसेस कितने बार किया करते थे, 2 बार प्रोसेस किया करते थे, 10 से 11 कर लिया करते थे। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया करते थे, बिल्कुल किया करते थे, कितना हो जाएगा 100, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया करते थे, कितना आता था, 121 आता था, ठीक है। क्वेश्चन को क्या कर दिया कि अब पलट दिया है, क्वेश्चन को किस तरह से पलटा है, क्वेश्चन को पलटा क्या है कि अब बोल रहा है कि स्वयं का 100 और 121 हो जाता है, 100/121 हो जाता है, कितने सालों में, 2 सालों में, ठीक। तो आपसे पूछेगा रेट कितना है, अब इसी को हाइड कर दिया, इसी को हाइड कर दिया, ये थोड़ा देर के लिए जानिए कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब यदि 100 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साल दिया हुआ था, तो जो रेशियो दिया हुआ था उसको हम डिवाइड करके उसको रेशियो के रूप में लेके जा रहे थे। अब क्या कह रहा है, मान ही दे रखा है 100/121, तो 2 साल के लिए दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये रूट होना चाहिए, ये रूट होना चाहिए। 100 है तो 100 रूट किसका होता है, 10 का, और किसका हो जाता है, 121, 11 का। 10 11 से कितना अधिक है, एक अधिक है, किससे, 10 से। मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 क्या हो गया, खत्म हो गया, बच कितना गया हमारे पास, 10% बच गया। तो क्वेश्चन भी तो वही कह रहा था ना, क्वेश्चन भी तो हमारे पास वही कह रहा था ना, 10%। तो 10% हमारे पास आ गया, तो बात को ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, रेट को हाइड कर लेगा तो इस प्रोसेस को पकड़ लेना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, यदि रेट दे दे तो ऊपर से नीचे की ओर जाना है, समझ में आया। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 4 साल के लिए, अब इसका मतलब है कि 625 दिया हुआ है ना, 625 का फोर्थ निकालना है, और रेशियो दिया हुआ है 256 का, क्या निकालना है, फोर्थ निकालना है। अब 625 किसका होना चाहिए, 625 किसका होना चाहिए, अब आप सोचिए किसको कितना बार गुना करेंगे, 4 बार गुना करना है, 625 आना चाहिए। अच्छा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 25 25 हो जाएगा, और 25 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 625 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि ये किसका हो गया, 5 का हो गया, सॉरी, ये किसका हो गया, ये 5 का हो गया, ये हमारे पास कितना आ गया, 5, और रेशियो अब देखते हैं 256 कैसे आ रहा है, 4 को करके देखते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 बार ही करना है ना, 2 साल के लिए बोलता तो 2 बार करते, 3 साल के लिए बोलता तो 3 बार करते, अब 4 साल के लिए बोला है तो 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, 256। तो इसका मतलब ये किसका कितना हो गया, 4 हो गया, 5 4 के बीच में कितने का गैप, 1 का गैप, कितने पर, 5 पर, कितना से गुना करना है, 100 से गुना करना है, 5 दूनी 10, 20%। रेट कितना आना चाहिए, रेट हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, 20% आना चाहिए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि रेट निकालने वाला क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। जब हम सीआई को और कंटिन्यू करेंगे क्लास, अभी तो 2 लेक्चर हुआ है हमारा, तीसरा लेक्चर करेंगे, चौथा लेक्चर करेंगे, तो अगला टॉपिक हमारा यही होगा, उसको और अच्छे तरह से जानेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। उम्मीद है आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। चलिए बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक, और बी उसी को 36 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कौन सा, एलसीएम मेथड। जब इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लास जब लाएंगे हम आपके लिए, तब इसके बारे में बहुत और गहराई से पढ़ेंगे, ठीक है। तब इस क्वेश्चन, तब ये सब क्वेश्चन आपको बड़ा आसान लगेगा। अभी प्रैक्टिस सेट है तो सिर्फ जान लेते हैं कि आखिर मैथ में क्या होता है, कैसे होता है और प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, बी इसी कार्य को 36 दिनों में कर रहा है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करेगा, समझिए ये 12 दिन में कर रहा है। कोई दोस्त है, ए हो गया 12 दिन में कर रहा है, बी हो गया 26 दिन में कर रहा है, ए और बी दोनों दोस्त मिल जाएगा तो उसी काम को कितना जल्दी कर सकता है, ये जानने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 36 बोला है, ठीक है। हमें क्या करना है कि यदि हमारे पास सी भी होता, डी भी होता, ई भी होता, एफ भी होता, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या करना पड़ेगा, जो बोलेगा हम उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालिए, 12 और 36 का एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा, 12 और 36 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 36। हमने क्या किया, 36 को लिख दिया। 12 के टेबल में 36 कितने बार में, तीन बार में। 36 के टेबल में 36 कितने बार में, एक बार में। ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया, ठीक है। जिसको हम इसको टी डब्ल्यू से बोलेंगे और इसको हम टी डबल एफ से सूचित करेंगे, आगे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, तीन काम कर रहा है, ये कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो पूरा काम को यदि ये दोनों मिल के करे तो एक दिन में, एक दिन का यदि बात करें, एक दिन में तो दोनों मिल के कर कितना काम रहा है, एक तीन काम कर रहा है और एक एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम, चार काम कंप्लीट हो रहा है हमारा। तो 36 काम को करने में कितना समय लगेगा, 36 को भाग दे देंगे 4 से कितना आ जाएगा, 9 चौका 36, 9 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आया होगा, है ना। क्वेश्चन जो होता है ना, पूरा कॉन्सेप्ट के तरह से हम आपको डील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस आंसर आए लिख दिए खत्म हो गया चले गए, नहीं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट को भी लेके चल रहे हैं। बस यही होगा कि ये एक टाइप होगा तो एक टाइप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन जब हम इसी बात को जब हम कॉन्सेप्ट वाले क्लास में लाएंगे वो एक बेस हो जाएगा कि टाइप नंबर फर्स्ट हो गया, टाइप नंबर सेकंड हो गया, टाइप नंबर थर्ड हो गया, और एक दिन पता चलेगा टाइप नंबर खत्म हो गया, है ना, फिर कह देंगे चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा मजेदार है, क्वेश्चन नंबर 9 से बन जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है कि अकेले उसी काम को, ये अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सामान्य है, क्वेश्चन सेम है, बन सकता है आपसे, बिल्कुल बना सकते हैं कि ए और बी मिलकर एक कार को 12 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर एक कार को 12 दिनों में करता है, ए और बी मिलकर, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी मिलकर, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर एक कार को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए है और बी है, ये दोनों मिलके एक काम को 12 दिन में कर रहा है, जबकि ए अकेला उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में करना है। तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन कितना काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं करना है, आपको बस एलसीएम वाले मेथड पर फोकस करना है, ठीक है। एलसीएम कितना आना चाहिए बस, जैसे कि यदि यहाँ पे हमारे पास आ जाती है कि ए और बी और सी मिलके किसी काम को समझिए 50 दिन में कर रहा है, और ए और बी मिलके कितना दिन में कर रहा है, 100 दिन में कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस देखना है 50 और हमको देखना है 100, हमको बस इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकाल लेंगे फिर उसके बाद अगला प्रोसेस देखेंगे, अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, 12 और 36 का सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो 12 और 36 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। 12 और 36 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 के टेबल में 36 कितने बार में है, 12, 24 और 36, 12 36, 12 18, 18 दूनी 36, ठीक है। मतलब हुआ कि ए और बी मिलकर 3 दिन में कर रहा है और ए उसी कार्य को 2 दिन में कर रहा है, तो आपसे पूछा है कि अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, कौन कौन कितना समय लेगा, बी, बी उसी कार्य को, बी अकेले बी उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको कर लीजिएगा मैनेज। बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ए का मान यदि हमारे पास 2 है और ए बी का मान यदि हमारे पास 3 है, ये क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, कोई बात नहीं। चलिए, ए और बी का मान यदि 3 दिया हुआ और ए का मान यदि हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो हम निकाल नहीं सकते हैं, ए और बी इक्वल टू 3 और ए का मान हमारे पास 2 दे रखा है, तो बी का मान यदि हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, बी का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। आ गया ना, ये 2 उठ के उधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, प्लस में है माइनस में चला जाएगा, तो बी का मान कितना हो गया, बी का मान 1 हो गया। ठीक है, पूछ रहा है कि बी अकेले उसी काम को कितना करेगा, तो बी एक काम करेगा, तो 36 काम को करने में कितना दिन लेगा, तो 1 से डिवाइड कर कितना हो जाएगा, 36 दिन समय लेगा। 36 दिन समय लेगा तो 36 दिन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन था, आज 10 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, बाकी का कल कर लेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, 13 के पहले 5 गुणकों का औसत कितना होगा। औसत समझते हैं क्या होता है, औसत, एवरेज, एवरेज, एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, आपके पास जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाते हैं हम आपको। 13 के 5 गुणक मतलब 5 तक 13 का टेबल लिखना है आपको, गुणक मतलब मल्टीपल। अभी जो बात किया था कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, सब क्वेश्चन आपस में लिंक्ड रहता है। यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को यदि ध्यान से सुनते चले तो पता चलेगा कि आपको सब पूरा का पूरा मैथ का चैप्टर जो होता है आपस में लिंक्ड रहता है। ठीक है, 13 हो जाएगा, 26, 39, 52 और 65। 13 के पहले 5 गुणकों का औसत कितना होगा। अब इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, पहला तरीका एवरेज निकालने का, पहला तरीका होता है कि आप सबको पहले प्लस कर लीजिए, 13, 26, 39, 52 और 65, और इसको डिवाइड कर दीजिए जितना संख्या दिया हुआ है, संख्या कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। यह आपका हो गया फर्स्ट तरीका, ठीक है, या आपका हो गया फर्स्ट मेथड, जो कि बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। फॉलो क्या करना है, फॉलो करना है कि एवरेज जब निकालते हैं ना, तो आपको बस फर्स्ट वाले संख्या और लास्ट वाले संख्या को क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। प्लस कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, 13 और प्लस 65 को प्लस कीजिएगा, डिवाइड क्या कर देना है, 2 से कर देना है, कितना हो जाएगा, 5, 3, 8 और 6, 1, 7, 2 से कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 और 9, 2, 18, 39 क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। तो 39 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद होगा समझ में आ रहा होगा आपको। एक बात और, इसी एवरेज में जैसे देखिए ये संख्या क्या था, संख्या यदि हमारे पास ऑड रहे, संख्या ऑड रहे तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बीच वाले को हम क्या मान लेंगे, डायरेक्ट बीच वाले को, जो मिडिल में आएगा उसको क्या मान लेंगे, आंसर मान लेंगे। लेकिन जब इवन आ जाएगा तब उसका कंडीशन चेंज हो जाएगा, यदि फिर उसके बीच का डिफरेंस यदि अलग अलग आ जाएगा, उसके बीच का डिफरेंस को भी देखा जाता है। डिफरेंस मतलब समझते हैं, पढ़ते थे ना एपी में कि 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ये किस फॉर्म में है, एपी फॉर्म में है। इसका मतलब इसका जब भी हम निकालेंगे तो क्या आएगा, एवरेज, एवरेज 6 ही आना है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 2 है।
ठीक है। इसका मतलब है कि डिफरेंस सबके बीच का क्या होना चाहिए, समान सेम होना चाहिए। जब एवरेज चैप्टर को पूरे तरह से पढ़ेंगे तो पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को अच्छे से खो लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। लेक्चर जितना छोटा रहेगा उतना पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो कल करेंगे 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा, आज 10 क्वेश्चन तक खत्म करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें।